गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, धोरण 6 विषय हिंदी। उसमें हम पहला जो चित्र पाठ है वो पढ़ेंगे, जिसमें पहला चित्र पाठ है दयालु शिकारी। तो दयालु शिकारी जो चित्र पाठ है, हमें उसकी स्टोरी आज पढ़नी है। उससे पहले मैं आपको सवाल के जवाब सुनाती हूँ कि जो पहला चित्र पाठ है उसमें किस पशु की बात की गई है। तो पहला जो चित्र पाठ है उसमें हिरनी की बात की गई है। फिर जो आपने किन किन पशुओं को देखा है, तो मतलब आप लोग जो बाहर घूमते हो, बाहर बैठते हो, तो आपने बहुत सारे पशुओं को देखा होगा। तो आपने किन किन पशुओं को देखा है उसके नाम आपको बताने हैं। तो अभी मैं बता रही हूँ, कुत्ता, गाय, बैल, घोड़ा, ऊँट, बकरी जैसे पालतू पशुओं को देखा है। उसके अलावा आपको पता है कि प्राणी संग्रहालय होता है, उसमें भी बहुत सारे पशु हमको देखने मिलते हैं। उसमें शेर, बाघ, हाथी, जंगली बंदर। फिर जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, तो जंगल में हमें जंगल में हाथी, शेर, बाघ, हिरन, फिर बंदर, जंगली भैंस, चीता, वो सभी जानवर हमें जंगल में देखने को मिलते हैं। तो जो पहली जो स्टोरी है उसमें हम देख सकते हैं, पहला जो चित्र पाठ है उसमें कि वो चित्र कैसा है, और चित्र पर से हमें कहानी लिखनी है, और कहानी का हमें शीर्षक देना है, मतलब कहानी का एक नाम देना है। तो हम देख रहे हैं कि पहले ही चित्र है, जो पहला चित्र में हमको क्या दिख रहा है, एक हिरनी है जो घूम रही है। फिर दूसरे में दिखाई दे रहा है आपको कि पेड़ के पीछे एक जो शिकारी है वो खड़ा है, छुपके से हिरनी को देख रहा है। फिर तीसरे में देख रहे हो कि हिरनी दौड़ रही है, मतलब चल रही है, और शिकारी उसे गोली लगा रहा है। तो देखो, फिर चौथे में दिख रहा है कि हिरनी दौड़ती है गोली की आवाज़ सुन के, और उसे पीठ पे गोली लग जाती है। पांचवी में दिखाया है। फिर छठी में दिखाया है कि गोली लगने पर शिकारी को हिरनी पे दया आ जाती है। फिर सातवीं में शिकारी हिरनी को अपनी गोद में लेके हॉस्पिटल ले जाता है। आठवीं में शिकारी हिरनी को ट्रीटमेंट करवाता है, मतलब उसका इलाज करवाता है। और नौवीं में हिरनी एकदम हरी भरी दिख रही है उसके बच्चों के साथ, मतलब जो शिकारी है उसे गोली लगाता है वही उसे अस्पताल लेके जाता है, मतलब कि शिकारी में दया है, वो दयालु शिकारी है, मतलब हिरनी को ऐसे ही छोड़ देता नहीं है। मतलब हम इस कहानी का नाम क्या दे सकते हैं, दयालु शिकारी। चलो ठीक है, हम ये कहानी देखते हैं। तो एक दिन जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया। देखो, जंगल में शिकारी होते हैं, मतलब वो शिकारी जो है वो एक दिन शिकार करने निकला था। उसके पास एक बंदूक थी। शिकारी ने हिरन हिरनी को देखा, मतलब हिरन और हिरनी दोनों टहल रहे थे, मतलब घूम रहे थे, तो शिकारी ने उन्हें देख लिया। हिरन हिरनी शिकारी को देखकर भागने लगे। हिरन और हिरनी जो थे वो शिकारी को देख गए थे, मतलब उन्हें मालूम हो गया था कि शिकारी यहाँ पे थे, तो वो लोग दोनों भाग रहे थे। शिकारी पक्का निशानेबाज था, मतलब जो जहाँ भी निशान लगा था वहाँ निशान लगता था उसका, वो ऐसे पक्का था। उसकी बंदूक में से गोली छोड़ी, मतलब शिकारी ने हिरन और हिरनी को देखा और बंदूक में से गोली छोड़ी थी। गोली हिरनी के टांग में लग गई, मतलब जो हिरनी के पीछे वाला पैर है उसके पैर में गोली लग गई। हिरन तो दूर भाग गया था, हिरन के भागने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, तो हिरन जो है वो फटाफट करके दूर भाग गया था, पर हिरनी जो थी वो धीरे धीरे भाग रही होगी थोड़ा, तो उसके पैर में गोली लग गई। घायल हिरनी अपने बच्चों के पास जा पहुंची, मतलब जो हिरनी थी उसे उसके बच्चों की चिंता बहुत सता रही थी, तो वो धीरे धीरे करके ऐसे ही, मतलब उसका खून भी बह रहा था, फिर भी वह ऐसी हालत में अपने बच्चों के पास गई। शिकारी हिरनी को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा। देखो, हिरनी जो है उसके बच्चों के पास जाने के लिए ऐसी हालत में भी चल रही थी, फिर शिकारी उसके पीछे पीछे जा रहा था कि चलो मैं हिरनी को पकड़ लेता हूँ। शिकारी ने देखा तो हिरनी अपने बच्चों के पास पहुँच कर बच्चों को प्यार कर रही थी। देखो, माँ कैसी होती है। शिकारी जो हिरनी है वो बच्चों की माँ थी, उसको इतना लगा हुआ था फिर भी वो उसका दर्द महसूस नहीं कर रही थी। वो ऐसी हालत में बच्चों के पास गई और अपने बच्चों को प्यार कर रही थी। यह दृश्य देखकर शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया।
मतलब ये दृश्य देखा शिकारी ने कि वो ऐसी हालत में इतनी मुश्किल में भी अपने बच्चों को प्यार कर रही है, तो उसके दिल में उसके लिए प्यार जागा, मतलब उसे दया आई, उसमें दया आ गई थी। शिकारी घायल हिरनी को पशु के अस्पताल ले गया। देखो तुरंत ही शिकारी ने क्या किया, वो घायल हिरनी थी उसको पशु का जो अस्पताल होता है वहाँ लेके गया। वहाँ उसने हिरनी के घाव पर पट्टी बंधवाई, जो हिरनी को घाव लगा था उसकी गोली से वहाँ शिकारी ने उस पर पट्टी बंधवाई थी। उसके बाद शिकारी ने हिरनी को गोद में लेकर जंगल में बच्चों के पास छोड़ गया। जो शिकारी है वो उसको ट्रीटमेंट करवाया, मतलब उसको पट्टी लगवाई, उसकी मुआवजत की, और फिर उसको गोद में लेकर जंगल में ले गया और बच्चों के पास छोड़ा, क्योंकि माँ और बच्चे साथ में रहे। शिकारी ने तय कर लिया कि आज से मैं किसी भी प्राणी का शिकार नहीं करूँगा। देखो हिरनी जो थी, हिरनी को देखकर शिकारी को कैसा हुआ, उसने सोच लिया मन में, उसने प्रण ले लिया कि आज से मैं जंगल में किसी भी मासूम प्राणी होगी उसका शिकार नहीं करूँगा। इस कहानी से हमें पशुओं के प्रति दया रखने की सीख मिलती है। देखो हमें क्या बता रहे हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीखना है, तो पशु के प्रति हमें दया रखने को सीखना है। देखो हम देखते हैं ना, हम कुत्ते जो हमारे घर पे आते हैं, जो गाय आती है हम उसको मारते हैं, फिर हम उसको वहाँ से जाने के लिए बहुत मारते हैं, फिर चिल्लाते भी बहुत है, पर ऐसा करना नहीं है। हमें हर एक पशु होते हैं उस पर दया दिखानी है। तो इस कहानी में हमें आज इतना जानना था कि जो शिकारी है वो कितना दयालु है, और उसने हिरनी को कैसे गोली मारी, और उसी हिरनी ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया, और उसी हिरनी को वो अस्पताल भी ले गया, उसकी मरम्मत भी की, और उसे उसके बच्चों के पास भी छोड़ा। मतलब हमें भी ऐसे पशुओं के साथ अच्छे से पेश आना है और उस पर दया दिखानी है। देखो हमने आज ये पहला जो चित्र पाठ है उसमें जो चित्र देख के कहानी बनानी है वो कहानी बना के हमने पढ़ ली है। अब हम दूसरे चित्र पाठ की कहानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।